नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कंबोज एक बार फिर आपसे कुछ दिल की बातें करने आया हूं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि खुश रहने का मंत्र क्या है। जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, खुशी की कोई वजह ही नहीं है, तो हम खुश कैसे रहें? तो खुश रहने की वजह जानने से पहले हमें दुखी होने की निराश होने की वजह को ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक वजह दुखी होने की नहीं मिलेगी, हम खुशी होने की वजह नहीं ढूंढ सकते। हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह है हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं। हमारी जेब में 10 रुपए होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम 100 रुपए की चीज खरीदें। हमारे जेब में 100 रुपए होते हैं, हमारी इच्छा होती है हम 1000 रुपए की चीज खरीदें। हमारी जेब में 1000 रुपए होते हैं, हम और फिर और। लेकिन जब हम उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। इंसान को जीने के लिए सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि बहुत पहले से ये बातें कही गई हैं, रोटी कपड़ा और मकान। अभी कुछ चीजें और उसमें जुड़ गई हैं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान कुछ ऐसी इनिशियल चीजें हैं, अगर वो मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि हमें लगता है कि हम ये भी प्राप्त कर लें, वो भी पा लें। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे के पास ये क्यों है, मेरे पास नहीं है। ये हमारे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। दूसरे की थाली में ना देखते हुए खुद की थाली में देखिए, और जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहिए। कम से कम खुश तो रहोगे। आज की जिंदगी में अगर मैं ये कहूं कि बहुत बड़े बड़े राजनेता या जिनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, वो खुश है, तो वो खुश नहीं है। उनको चिंता है कि हमारे पास है, सरकार की इस पर नजर है, इनकम टैक्स की इस पर नजर है। गरीब है, वो कहता है मेरी थाली में कुछ नहीं, इसलिए मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अमीर कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, कहीं टैक्स के रूप में ना चला जाए, इसलिए मैं परेशान हूं। तो जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, उसी में संतुष्ट रहना, यही खुशी है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें एक मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई कि वो कहीं पे गए, एक चोल रूप था उसका, चोल रूप एक गली थी, छोटी सी गली थी, छोटा सा मकान था 10x10 का, उसमें 5 लोग रह रहे थे और 5ों के चेहरे पे मुस्कान थी। उन्होंने इनफैक्ट चाय पूछी, उसे चाय पिलाई। तो मेरे उस मित्र ने बड़े प्यार से पूछा कि आप लोग इस छोटे से मकान में कैसे सर्वाइव कर रहे हो और आप के चेहरे पे बड़ी स्माइल है, कैसे? वो कह रहे थे कि 4 दीवारों से या एक छत से घर नहीं बनता, घर बनता है घर में रहने वालों से, घर बनता है स्माइल से, घर बनता है सहयोग से। अगर आप उसी 4 दीवारी में संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, तो आपको एक बंगले की जरूरत ही नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन आप वहां पर अकेले हैं, तो अभी उस खुशी का या फिर उस बंगले का क्या फायदा, जब वहां पर कोई रहने वाला ही नहीं है, आपकी खुशी बांटने वाला ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, एक ऑल ओवर जो निकल के आती है वो है संतुष्टि। आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहिए, यही खुश रहने का मूल मंत्र है। लेकिन मैं यहां पे ये नहीं कहना चाहूंगा कि और पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इतनी प्रबल इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं निराश हो जाऊंगा। नहीं, अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसे पाने के लिए दौड़ते रहिए, लेकिन सिर्फ उसे पाने के लिए मत दौड़िए। जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लेकर हम खुश रह सकते हैं, और सबसे जरूरी बात यही है कि जो कुछ आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में खुश रहिए, यही है खुश रहने का मूल मंत्र। थैंक यू, धन्यवाद।